सो गाइस, जो आप मेरे हाथ में की देख रहे हो ये भाई टाटा पंच एकॉम्प्लिस सीएनजी के साथ, और जहाँ पे लॉक अनलॉक बूट ओपन कर सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस प्रोडक्ट को, जहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल से वॉकराउंड करूँगा कि इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं क्या नहीं मिलती है, सब कुछ आपको मैं डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले भाई बात करते हैं इसके सामने प्रोफाइल को, उससे पहले भाई साइड साइड से देख लो कुछ इस तरीके से। मैं साइड साइड से आपको दिखा देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आपको कैसा लुक कैसा फील आपको देखने को मिलेगा, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी क्या देखने को मिल जाएगी इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बात करेंगे, और अंदर क्या स्पेस है वो सारी चीज़ें भी बात करेंगे। सबसे पहले भाई बात करते हैं इस गाड़ी का, यहाँ से भाई इसका लाइट मैं ऑन कर लेता हूँ, उससे पहले भाई इसका की मैं निकालता हूँ आप लोग को दिखाता हूँ। ये है कई फॉलम हेडलैम्प लगाता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हो भाई हेलोजन लाइट सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी के साथ, और ये आप देख सकते हो इसका भाई डीआर कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा, ये अपना पार्किंग बल्ब मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से क्रोम का सेटअप आपको किया गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन, बीच में टाटा का लोगो, और ये आप देख सकते हैं, और नीचे आपको इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छे है, वाई शेप बोल सकते हो या एक्स शेप बोल सकते हो वो आप देख लो देख लेना। ये अपना मिल जाएगा हेलोजन सेटअप के साथ कुछ इस तरीके से, ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन, और ये अपना फॉग लैम्प मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं यहाँ तक, यहाँ देखोगे काफ़ी अच्छी चौड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, और ये अपना मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसको जो कि बात करेंगे ये सेकंड टॉप एंड इंड वेंट है, और यहाँ पे फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये अपना ये देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन अलॉय व्हील के साथ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से, और ये आप देखोगे यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है भाई काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा साइड साइड से। बाकी डोर क्लाइडिंग आपको देखने को मिल जाएगा काफ़ी चौड़ी वाली, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। बाकी रियर की बात करते हैं तो रियर पे मैं आप लोग को दिखाऊं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ये 50 लाख कार सोल्ड हो गया टाटा का तो उसका सेलिब्रेशन बैच। बाकी डोर फ्रंट डोर ड्राइवर डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऐसा चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। बाकी ये अपना इंडिकेटर का काम करेगी ORBM इस तरीके से, जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख पाओगे। और बात करते हैं रियर से, तो रियर की बात करोगे तो रियर में कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा रेगुलर एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लाइन, और ये कुछ तरीके देख पाओगे रेगुलर एंटीना देखने मिल जाएंगे काफ़ी बड़ी सी, और हाई माउंट स्टॉप लैंप स्पॉइलर के साथ, और रियर से आप देखोगे कैमरा और लाइट का सेटअप सब कुछ आपको देखने मिल जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं इसकी, ये टेल लाइट आप देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती हैं इस वेरियंट के साथ, और ये पंच ICNG का वेस देखने को मिल जाएगा टाटा के लोगों के नीचे, आपको कैमरा मिल जाएगा इस तरीके से आप देख पाओगे काफ़ी ठीक ठाक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी कंपनी आपको रिफ्लेक्टर प्रोवाइड करती है कुछ इस तरीके से, और दो दो रिक्वेस्ट सेंसर रिवर्स पार्किंग सेंसर, बाकी एग्जॉस्ट सारी चीज़ आप देख लिए। एक बार मैं क्या करता हूँ भाई इसका, भाई ओपन करता हूँ बूट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को पता चल सके कि इसमें क्या बूट स्पेस है, कितना स्पेस आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा विथ पार्सल ट्रे, और अभी इसमें देखो भाई CNG लगने के बाद 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है बजट के हिसाब से। और यहाँ पे आप दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं आगे गाड़ी के, आगे क्या क्या चीज़ें मिलती है वो सारी चीज़ें बात करते हैं। यहाँ से रिक्वेस्ट सेंसर आपको वन बार प्रेस करना है, बस आपका ओपन हो जाएगा बूट, और 90 डिग्री पर आपका डोर ओपन हो जाता है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। डोर की बातचीत करते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है, ये विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, ORBM कंट्रोल, डोर लीवर ब्लैक फिनिश के साथ, ट्विटर स्पीकर, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी अच्छा फील करता है भाई नो डाउट। यहाँ पे बात करते हैं कुछ इस तरीके से आपको, अभी क्या करते हैं बैठते हैं अंदर, अंदर की बातचीत करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और मिल जाती हैं वो बात कर लेते हैं भाई। तो ये अभी देख सकते हो इस तरीके से मैं बैठ गया हूँ, और एक बार बैठ लेता हूँ अच्छे से। और स्टेयरिंग की बात करते हैं, स्टेयरिंग पे कुछ नॉर्मल सी आपको देखने को मिल जाएगी स्टेयरिंग, बहुत हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये अपना टिल्ट मिल गया, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें, और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलता है भाई, अच्छी खासी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन होती हैं। और इसमें वॉल्यूम आप कर सकते हो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन से, आप दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, वाइपर कंट्रोल, ये अपना लाइट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे, तो नो डाउट काफ़ी बेहतरीन है। बाकी एक बार और दबाते हैं, ये इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आप देखोगे कलरफुल आपको डिस्प्ले मिल जाएगी छोटी सी। बाकी यहाँ पे AC वेंट ऐसा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं इस गाड़ी के साथ, हार्मन कार्डन के आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएंगे, ICNG का आपको सारी चीज़ें कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो काफ़ी बेहतरीन है जैसा कि मैंने बताया। और आई थिंक 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाएगा
हरमन गार्डन के। बाकी ये अपना एसी वेंट देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, जो आप देख पाओगे यहाँ पे हरमन का आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ठीक ठाक है, छोटा सा है, क्विट सा, काफ़ी बेहतरीन लगते हैं भाई। यहाँ पे इसके डैशबोर्ड फिनिश देख सकते हो कुछ इस तरीके से, पावर विंडो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। बाकी ये अपना ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। बाकी ये एसी वेंट आपको देखने को मिलेगा, ट्विटर का प्लेसमेंट वहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो काफ़ी बेहतरीन आपको साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है। बाकी स्पीकर की बात करें, इसमें 4 स्पीकर देखने को मिल जाता है। टिकट होल्डर ये देख सकते हो, IRVM मिल जाएगा, मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ये लाइट का मिल जाएगा, हैलोजन लाइट विथ माइक के साथ, ऊपर यहाँ पे माइक मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको लाइट नहीं, आपको केवल बस मिरर देखने को मिल जाएगा। हालांकि एसी वेंट ऐसा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट टाइप सी, USB चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट सॉकेट, 5 स्पीड गियरबॉक्स का आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आर्मरेस्ट के लिए आपको ड्राइवर को ड्राइवर पर देखने को मिल जाएगा डेडिकेटली, तो सब कुछ बेहतरीन आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाता है यहाँ से। और ये अपना हेड एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगा, जो कि आप कर सकते हो यहाँ से। आप देख सकते हो फैब्रिक सीटें आपको इस गाड़ी के साथ ऑफ़र की जाती हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अभी क्या करते हैं भाई, चलते हैं रियर सीट पे, रियर सीट की बातचीत करते हैं कि रियर सीट पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो चीज़ें बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से बंद कर लेते हैं और चलते हैं भाई रियर सीट पे। रियर सीट पे देखो क्या कुछ मिलता है, वो चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ से देखने पे मिलता है भाई क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जो कि काफ़ी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, अंदर काफ़ी अच्छा थ्रो मिल जाएगा, काफ़ी डिसेंट सा थ्रो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बॉटल वोटल सब कुछ रख सकते हो। बाकी अंदर आपको डेडिकेटली एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, हेड एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और ये अपना अटैच मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके से। कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, आप देख पाओगे। बाकी ये कुछ इस तरीके से आपको नी रूम का स्पेस मिल जाएगा, काफ़ी ठीक ठाक का स्पेस आपको लग रहा। और ग्रैब हैंडल सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। पीछे से लुक की बात करो, पीछे से गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बाकी चलते हैं भाई, यहाँ सब कुछ हो गया, कोई चीज़ पूछ छूट रहा होगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। और ये आप देख सकते हो भाई, चलते हैं यहाँ से बैक की बात करते हैं और सारी चीज़ों की बात करते हैं, इस इंजन पावर और सारी चीज़ों की। तो इसमें आपको मिल जाएगा 1.2 लीटर 3 सिलेंडर। पावर की बात करोगे तो इसमें आपको 72.41 BHP का पावर मिल जाएगा। टॉर्क की बात करो तो 3 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। CNG का जो टैंक है 60 लीटर का है, और ये सारी चीज़ आपको माइलेज वही 27-28 का माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग है, ABS 2 एयरबैग के साथ आती है गाड़ी। और ये था इस वीडियो में इसका कंप्लीट वॉक अराउंड। प्राइस की बात करोगे तो एक्स शोरूम 8,85,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। बाकी अगर वीडियो शूट हो रहा है भाई ये आपको गोरखपुर में, तो सारा शोरूम का सारा डिटेल आपको इस रूम ऑफिस मिल जाएगा, यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद आती हैं, पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट से सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भाई। करते हैं इस वीडियो को, मिलते किसी और फ्रेश वीडियो के साथ।